परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस बात को सिखाते तो बचपन से हैं, लेकिन जवानी में आकर कई लोग भूल जाते हैं और कई ऐसे भी होते हैं जो सालों साल तक इस नियम को, इस बात को, इस थॉट को भूले हुए ही रहते हैं। इनमें से एक कांग्रेस पार्टी भी है जो परिवर्तन शब्द का मतलब, परिवर्तन शब्द का अर्थ पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कांग्रेस में ताबड़तोड़ परिवर्तन होंगे। पीके ने भले ही कांग्रेस में आने से मना कर दिया, लेकिन उनके क्षण भर के लिए आने का और कुछ पीपीटी दिखाने का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ कि अब ताबड़तोड़ परिवर्तन होने की पूरी तरह से संभावनाएं नज़र आ रही है। और ऐसे में राजस्थान का वो सवाल भी आ रहा है कि राजस्थान में भी क्या बदलाव होंगे, क्या पायलट की स्थिति बदलेगी, क्या कार्यकर्ताओं की स्थिति बदलेगी, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आज ये वीडियो उसी पर रहेगा, इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ चेतना शर्मा आपके साथ। चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कांग्रेस ने ताबड़तोड़ फैसले कर चार कार्यकारी अध्यक्ष रातों रात बदल दिए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सियासी हलकों में, सियासी गलियारों में लगातार एक बातचीत चल रही थी। अब तो बच्चा बच्चा भी बोलने लगा था कि शायद कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है, कांग्रेस में डिसीजंस नहीं हो रहे, निर्णय नहीं हो रहे, कठोर निर्णय नहीं हो रहे। लेकिन अब जाकर शायद कांग्रेस को ये आत्मानुभूति हुई है कि हाँ, परिवर्तन करने चाहिए, इन परिवर्तन के बाद ही कुछ अंतर आएगा, परिवर्तन नहीं होगा तो कांग्रेस शायद डूब जाएगी। सुन तो ये कई दिनों से रहे थे, मंथन करेंगे करेंगे, इस बात का रट भी बहुत दिनों से लगाया हुआ था, लेकिन अब कुछ होता नजर आ रहा है। जहां पंजाब में सीधे तौर पर प्रदेशाध्यक्ष भी बदला है, सुनील जाखड़ पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, वहीं हरियाणा में भी प्रदेशाध्यक्ष बदला है, और अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो वहां कमलनाथ को भी एक पद से इस्तीफा देना पड़ गया है, और विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा देकर दूसरे शख्स को विपक्ष का नेता बनाया है। ताबड़तोड़ ये बदलाव देखने को मिले हैं, और ऐसे में सियासी अटकलें ये भी सामने आ रही है कि अब जब 13 से 15 मई के बीच में राजस्थान में चिंतन और मनन शिविर होगा, उसके बाद सचिन पायलट के पद में भी कुछ इजाफा हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बदलाव होता है। और ये सब बदलाव करने के बाद एक लाइन तो ज़रूर स्पष्ट हो गई है कि ये सुनने में आ रहा था अक्सर कि आला कमान निष्क्रिय हो चुका है, मंथन लगातार जारी थे और अब उन फैसलों को कर दिया गया है, जिससे अब राजस्थान में भी उम्मीदें जग गई हैं। तेज सियासी हलकों में जो चर्चा थी कि अब सचिन पायलट की जो मांगे थी, मेन महत्वपूर्ण जो मांगे थी, वो भी मांगी जा सकती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और बड़े बदलाव भी देखने को साफ साफ मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो प्रेजेंटेशंस थी, ऐसा लगता है उन प्रेजेंटेशंस ने कांग्रेस को झकझोर दिया है और कहा है कि अब नहीं तो कब नहीं। और असलियत में भी हकीकत यही है कि कांग्रेस जिस तरह से धुलती जा रही है, हटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, अब नहीं तो शायद कब नहीं, इसलिए अब कुछ बदलाव किए हैं। लेकिन ये सारे बदलाव क्या सही दिशा में हैं, ये कहना अभी भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ देखा जाए कि राजस्थान ही केवल एक ऐसा राज्य नहीं है जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में नहीं बन रही या हर हायरार्की पर लड़ाई है। पंजाब में भी ऐसा ही है, मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है, और यहां तक कि और भी राज्यों में देखें कुछ ना कुछ इसी तरह से हो रहा है। केवी थॉमस को भी साउथ में हटाया है, तो लगातार हर जगह पर कांग्रेस में आंतरिक फूट, आंतरिक लड़ाई चरम सीमा पर है। कांग्रेस पूरी तरह से चाटुकार वर्सेस कर्मठ बन चुकी है, और यहाँ पर एक तरफ जहाँ चाटुकार लोग एक तरफ पूरी लड़ाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो कर्मठ लोग हैं वो अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं, और ये हर जगह पर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि किसको कांग्रेस पार्टी तवज्जो देती है, चाटुकारों को कि कर्मठ को। अब ये लड़ाई पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, कांग्रेस के आलाकमान के कोर्ट में बॉल है कि वो किसको तवज्जो देती है। अगर फिर से चाटुकारों को तवज्जो दी तो कांग्रेस और भी गर्त में जाती जाएगी, और बीजेपी की वो कहावत ठीक हो जाएगी कि वो भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।
सांगानेर की सेवा में हमेशा हाजिर, सांगानेर की जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर कांग्रेस पार्टी के कर्मठ नेता और सांगानेर के दिलों की धड़कन, जिसने दी यूथ कांग्रेस को शक्ति और संगठन के लिए जिसकी है अतुल्य निष्ठा, ऐसे सांगानेर के सेवक श्री विनय प्रताप सिंह भोपर के साथ सभी डिजिटल मीडिया पर जुड़े। विनय प्रताप सिंह भोपर को फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर आज ही फॉलो करें।